बुलेटिन का बकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें तालीमी बोर्ड के तहत मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात में ग्रेस मार्क्स 3 से बढ़ाकर 5 करने का फैसला किया गया है। ग्रेस मार्क्स में इजाफा पासिंग मार्क्स में इजाफे के पेश नज़र किया जाएगा। 3 मजामीन में फेल होने की सूरत में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ग्रेस मार्क्स के हवाले से मुल्क भर के तालीमी बोर्ड्स को आगाह कर दिया है। IBC के मुताबिक पासिंग मार्क्स 33 से बढ़ाकर 40 किए गए थे। ज़राए के मुताबिक 35 नंबर वाले उम्मीदवार को 5 नंबर ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा। तालीमी बोर्ड्स की जानिब से ग्रेस मार्क्स को 7 करने की तजवीज दी गई थी। ग्रेस मार्क्स ज्यादा से ज्यादा 2 मजामीन में दिए जा सकते हैं। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक पेपर चेकर्स को नई तब्दीली के हवाले से आगाह किया जाएगा। इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन के मुताबिक 3 मजामीन में फेल होने की सूरत में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। पॉलिसी का इतलाक आइंदा साल इम्तिहान 2025 मार्च और अप्रैल से किए जाने का इम्कान है। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक ग्रेस मार्क्स का फैसला मयारी तालीम को बेहतर करने के लिए अहम इकदाम है। अब यहाँ पर आपको बताएं बैनुल अक्वामी पंजाबी कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब। बैनुल अक्वामी पंजाबी कॉन्फ्रेंस के निकात पर खुश हुई गवर्नर पंजाब की जानिब से कहा गया। अदीबों शोरा और मुसन्नफीन ने सिर हासिल गुफ्तगु की। अल्लाह का पैगाम सुफिया कराम ने पंजाबी जुबान में पहुँचाया। मजीद कहा कोशिश होगी अगली पंजाबी कॉन्फ्रेंस पंजाब गवर्नर हाउस में हो। मजीद उनके जानिब से क्या कहा गया है आइए आपको सुनवाते हैं। मैं समझना के पंजाबी जेड़ी अगर पंजाब ने हवाले ना तुसी तको तो मेरी जाती राय के ये पंजाबी मालिक नहीं जबान है क्योंकि इस पंजाब विच बल्कि पूरे सब कॉन्टीनेंट च अगर अल्लाह ने पैगाम पहुंचा तो उन्हें सुफियाए कराम उन्हें औलियाए कराम ने थ्रू पहुंचा कि जिन्हें आके इतने अपनी अल्लाह की तबलीग की और वो सारे बड़े अजीम नाम हैं बाबा फरीद बाबा गुरु नानक साढ़े शाह हुसैन बुल्ले शाह वारिस शाह खाजा गुलाम फरीद और साढ़े पिंडी विच मियाँ मोहम्मद बख्श बोरले शरीफ दे साढ़े पीर मेहर अली शाह इन्हें सारा अल्लाह ने पैगाम पंजाबी विच लोगों तक फैलाया ते इस हिसाब ना मेरे ख्याल ने मुताबिक पंजाबी जेड़ी बड़ी ही काबिल एहतराम और बड़ी ही उच्चे लेवल ते रहने वाली जबान है और ये बहुत खुशी हुई मैनू के पंजाबी काफ़ी टाइम तो इग्नोर किया गया और ये लोग जेड़े आज तुसी इकट्ठे हुए हो जेड़े पार्टिसिपेंट हैं जिन्हें ये इनाकाद किया इन्हें जितना भी अप्रीशिएट किया जाए उनका। महकमा दाखिला पंजाब ने मुतद जेल अफसरान के तकरर तबादले कर दिए हैं। 7 सुप्रीडेंट्स 15 डेप्यूटी सुप्रीडेंट्स और 2 माहरे नफसियात का तबादला किया गया। जेल रिफॉर्म्स एजेंडा के तहत कुल 298 पोजीशंस पर तकरर तबादलों की मंजूरी दी गई। महकमा जेल खाना जात के 7 सुप्रीडेंट्स 15 डेप्यूटी सुप्रीडेंट्स और 2 माहरीन ने नफसियात का तबादला किया गया। इसी तरह 7 ऑफिस सुप्रीडेंट्स 29 असिस्टेंट सुप्रीडेंट्स और 40 चीफ वार्डर्स और 30 हेड वार्डर्स और 150 वार्डर्स का तबादला किया गया। सुप्रीडेंट जेल साकिब नज़ीर AIG इंडस्ट्रीज इंस्पेक्टर ऑफ प्रिजन इश्तियाक अहमद गिल प्रिंसिपल पंजाब प्रिजन स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लाहौर अख्तर इकबाल सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल गुजरात मोहम्मद आसिफ अजीम सुप्रीडेंट जेल फैसलाबाद और मोहम्मद अरशद को कमांडर पंजाब प्रिजन स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज साहिवाल तैनात किया गया है। रसूल बख्श सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल बहावलनगर जबकि नाजुक शहजाद सुप्रीडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मुजफ्फरगढ़ सुहेल नबी गिल एडिशनल सुप्रीडेंट सेंट्रल जेल गुजरामाला और अहमद सदीकी डेप्यूटी सुप्रीडेंट हाई सिक्योरिटी प्रिजन साहिवाल तैनात किया गया है। लाहौर समेत सूबे की 9 डिवीजन्स 3 साल से मुस्तकिल डायरेक्टर कॉलेजेस से महरूम हैं। मुस्तकिल तैनातियों के लिए महकमा हायर एजुकेशन ने सक्रूटनी मुकम्मल कर ली। लाहौर समेत सूबे की 9 डिवीजन्स 3 साल से मुस्तकिल डायरेक्टर कॉलेजेस तैनात ना हो सके। मुस्तकिल तैनाती के लिए महकमा हायर एजुकेशन ने सक्रूटनी मुकम्मल कर ली है। 9 असामियों के लिए 90 उम्मीदवारों की सक्रूटनी की गई। उम्मीदवारों के इंटरव्यूज अगले हफ्ते से शुरू होंगे। 3 साल बाद मुस्तकिल डायरेक्टर कॉलेजेस की तैनाती होने जा रही है। वजीर तालीम की सरबराही में कमेटी उम्मीदवारों की इंटरव्यूज करेगी। इस वक्त तमाम डायरेक्टोरेट्स में RC डायरेक्टर से काम लिया जा रहा है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ से वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात हुई है। मुल्क की मजमूई सियासी सूरतहाल बाहमी दिलचस्पी आमूर और बैनुल सूबाई हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया।
वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने इस मौके पर गुफ्तगु में कहना था कि बलोचिस्तान में रहने वाले भाइयों की मानिंद हैं, दहशतगर्द बलोचिस्तान की तरक्की पर असर अंदाज होना चाहते हैं। बलोचिस्तान की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है। दहशतगर्दी के मसले के हल के लिए भरपूर मुआवनत करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि कौमी यकजहती और बैनुल सूबाई हम आहंगी को फ़रोग देने के लिए मिलजुल कर काम करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था कि मरियम नवाज़ पंजाब के आवाम की मसाली खिदमत कर रही है, मुल्क की तरक्की और आवाम के खुशहाली के लिए जामिया हिकमत अमली के तहत काम करना है। पंजाब हुकूमत का वकला के मसाइल को हल करने का मिशन, मुख्तलिफ शहरों की बार एसोसिएशंस को 4 करोड़ के चेक्स तकसीम कर दिए। वजीर कानून पंजाब मलिक सुहेब अहमद भट्ट से लाहौर हाईकोर्ट बार, मिंचन आबाद, फोर्ट आबाद, हारून आबाद और चिश्तियाँ बार एसोसिएशन के सदूर जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात की। जनरल सेक्रेटरी लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन बैरिस्टर कादिर बख्श एडवोकेट, सदर मिंचन आबाद खालिद शाहिद, सदर हारून आबाद मियाँ अजहर बारी, सदर फोर्ट आबाद बार इम्तियाज अहमद चिश्तियाँ बार जी मुलाकात करने वालों में शामिल थे। सेक्रेटरी कानून पंजाब मोहम्मद आसिफ बिलालोदी भी मौजूद थे। पंजाब हुकूमत की तरफ से बार एसोसिएशन को 4 करोड़ रुपये की ग्रांट दी गई। लाहौर हाईकोर्ट बार को 3 करोड़ की ग्रांट दी गई। सूबाई वजीर कानून का कहना था कि ग्रांट से फीमेल बार रूम्स की तामीर, ई लाइब्रेरी, एग्जेक्टिव रूम्स, कुतुब, कंप्यूटर्स और फर्नीचर खरीद सकेंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे डीएचक्यू और टीएचक्यू शहबाज शरीफ अस्पताल में सेहत कैंप का इफ्तिताह कर दिया गया। एमपीए चौधरी नवाज लीडर ने सेहत कैंप का इफ्तिताह किया। एमपीए चौधरी नवाज लीडर ने बेदिया रोड लीडर में डीएचक्यू मियां मीर अस्पताल का दौरा किया। अस्पताल इंतजामिया ने फूलों से रुकने असेंबली का इस्तकबाल किया। एमपीए ने हफ्ता सेहत प्रोग्राम के हवाले से मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। चौधरी मोहम्मद नवाज लीडर ने बेदिया रोड लीडर में टीएचक्यू शहबाज शरीफ अस्पताल में भी सेहत कैंप का इफ्तिताह किया। शहरियों ने तिब्बी सहूलियात के फ्राहमी पर इजहार तशक्कुर किया। आवामी मसाइल सुनने के लिए एमपीए मलिक खालिद खोकर की मरकजी दफ्तर पीपी 169 में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। साइलीन ने बिजली, सेवेज, वाटर सप्लाई समेत दिगर मसाइल से आगाह किया। एमपीए ने मुतलका इदारों को जल्द मसाइल हल करने का हुक्म दे दिया। एमपीए मलिक खालिद खोकर की आवामी मसाइल के लिए खुली कचहरी लगाई। खुली कचहरी का इनेकाद मरकजी दफ्तर पीपी 169 निज़ाम ब्लॉक इकबाल टाउन में किया गया। मीर साद भट्ट, मलिक अमजद, उस्ताद टोमी, अफजाल भट्टी, अथर शाह, हाजी सफ्तर, मलिक रमजान, मलिक जाहिद इनायत समेत दिगर साइलीन ने शिरकत की। साइलीन ने इनफरादी और इज्तमाही मसाइल से आगाह किया। हल्के में सीवरेज, वाटर सप्लाई और तरक्याती कामों पर गुफ्तगू हुई। एमपीए मलिक खालिद खोकर ने जल्द मसाइल के हल का वादा किया। मरियम नवाज की स्कीम अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत चेक तकसीम करने का सिलसिला जारी है। पार्लियामानी सेक्रेटरी ब्राय प्राइस कंट्रोल मलिक वहीद ने एसी शालीमार डॉक्टर अनु फातमा के हमरा फतेहगढ़ में चेक दिया। शहरी असद हुसैन ने चेक मिलने पर मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। पार्लियामानी सेक्रेटरी ब्राय प्राइस कंट्रोल मलिक वहीद एसी शालीमार डॉक्टर अनु फातमा के हमरा फतेहगढ़ पहुंचे, जहाँ उन्होंने शहरी असद हुसैन को अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत चेक दिया। लिगी रहनुमा चौधरी बाबर, हाजी अकरम, यासी डोगर समेत दीगर भी हमरा थे। चेक वसूल करने पर असद हुसैन ने एमपीए मलिक वहीद को मिठाई खिलाई। मलिक वहीद ने घर की तामीर के काम का भी जायजा लिया और मजीद मदद का वादा किया। मलिक वहीद ने कहा, वजीर आला मरियम नवाज ने हमेशा आवाम की खिदमत का वादा किया है और अपना घर स्कीम से वादा पूरा करके दिखा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब के सेहतमंद जिंदगी प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट मजंग टीचिंग अस्पताल में हफ्ता सेहत का आगाज हो गया। वज़ीर आला की फोकल पर्सन सादिया तैमूर ने सेहत कैंप का इफ्तिताह किया। अवामुन्नास को सेहत की सहूलियात पहुंचाने के सिलसिले में वज़ीर आला के सेहतमंद जिंदगी प्रोग्राम के तहत मजंग टीचिंग अस्पताल में हफ्ता सेहत का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब की फोकल पर्सन सादिया तैमूर ने मजंग अस्पताल में 3 रोज सेहत कैंप का इफ्तिताह किया। सादिया तैमूर ने एमएस डॉक्टर मिसबाह लियाकत के हमरा अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और सेहत कैंप में मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर सादिया तैमूर का कहना था कि वज़ीर आला की क्यादत में अवामुन्नास को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। सेहत कैंप में कुल 9 काउंटर कायम हैं, जहाँ पर ज़ियाबतीस, हेपेटाइटिस, टीबी समेत दीगर बीमारियों की तशखीस, टेस्ट और अद्वियात की सहूलत मैसर है। सेहत कैंप 22 नवम्बर तक जारी रहेगा।
डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के वफ़ की वासा हेड ऑफिस आमद। इजलास में कटार बंद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मंसूबे की पेशरफ का तफसीली जायजा लिया गया। एमडी वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। डायरेक्टर ज़िशान बिलाल ने प्रोजेक्ट के हवाले से ब्रीफिंग दी। एमडी वासा ने कहा कि कटार बंद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 75 मिलियन यूरो से ज़ायद लागत का तखमीना है, जबकि कटार बंद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 3 साल के अरसे में मुकम्मल होगा। कार्बन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मंसूबे पर 91.61% डेनिड और 8.39% हुकूमते पंजाब फाइनेंस करेगी। डेनिड ओल लाहौर को टेक्निकल और माली मुआवनत फ्राहम करेगा, जबकि कार्बन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए आसान शराइत पर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लोन फ्राहम करेगा। इजलास में डेप्टी डायरेक्टर प्लानिंग समीना आसिफ शरीक और डेनिडा से मिस बंटे और जान शरीक थे। पाकिस्तान में खलाई टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने का मंसूबा। स्पार्को ने यूईटी में जदीद तरीन रिजॉल्व R&D सेटअप का आगाज कर दिया। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने सेटअप का इफ्तिताह किया। स्पार्को ने पाकिस्तान में खलाई टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने के लिए जदीद तरीन रिजॉल्व R&D सेटअप का आगाज कर दिया है। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर के हमराह स्पार्को की जानिब से जदीद खलाई तहकीक के लिए सेटअप का इफ्तिताह किया। स्पार्को के रिजॉल्व सेटअप का मकसद एडवांस डिजिटल सिस्टम्स और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, एडवांस एंटीना और माइक्रोव्यू सिस्टम्स और इसके अलावा स्पेस मटेरियल रिसर्च, स्पेस बेस्ड सेंसर्स और RF लोड मैकेनिज्म और पेलोड के शोबों में तहकीक को फ़रोग देना है। रिजॉल्व सेटअप जिद्दत तराजे के लिए मुतहरिक माहौल फ्राहम करेगा, जिसके नतीजे में जदीद टेक्नोलॉजीज पैदा होंगी और खलाई तहकीक की सरहदों को आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासिन का LDA Avenue 1 स्कीम का दौरा। वज़ीर हाउसिंग ने LDA Avenue 1 स्कीम के सिटीज़न फैसिलिटेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। बिलाल यासिन ने 24 नवंबर को इंतशारी टोले को हर सूरत रोकने के लिए वाजिया पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि LDA सिटी, मोलनवाल, जुबली टाउन और Avenue 1 स्कीम की सर्विसेज सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर पर दस्तयाब होंगी। सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर में बुजुर्ग शहरियों और ओवरसीज के लिए खसूसी काउंटर कायम किए गए हैं। वाइस चेयरमैन LDA मियां मरगूब अहमद और DG LDA ताहिर फारूक भी मौजूद थे। बिलाल यासीन ने LDA Avenue 1 स्कीम में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में कहा, आज भी LDA सिटी में 3 साल आसान एक साथ में प्लॉट दिए जा रहे हैं। हम लोगों को आज की कीमत में, आज जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, उस पे इंस्टॉलमेंट में हम प्लॉट दे रहे हैं और आपके तो हम ये मैसेज स्प्रेड करते हैं कि मेहरबानी करें, आए और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और NDA के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करें कि आज की प्राइस पे आपको इंस्टॉलमेंट में आपको प्लॉट मिलेगा। बिलाल यासीन ने कहा कि 24 नवंबर को तहरीक इंतशार फिसाद बर्पा करना चाहती है। पंजाब हुकूमत अमन व अमान का कयाम हर सूरत यकीनी बनाएगी। गवर्नमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर तरह से अमन व अमान को बहाल रखे और लोगों के जानो माल को तहफ्फुज दे। आपको पता नहीं है कि इनकी सोच क्या है? आप समझते नहीं है कि पाकिस्तान का सियासी कल्चर ये रहा है? कभी इस तरह हुआ है कि हम एक दूसरे के इस तरह की लच्चर जबान इस्तेमाल करें कि अब तो चीजें फिजिकल वो जो है ना मूड में आने की कोशिश की तरफ जा रही है। DG LDA ताहिर फारूक ने कहा कि सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर में दस्तयाब सहूलतों को आइडियल रखा जाएगा। जो आपने बात की, बाकी जो इंडिविजुअल स्कीम है उसके ऊपर भी LDA इस वक्त पूरी काम कर रहा है। जितनी भी हमारे प्लॉट्स की इंक्रोचमेंट स्कीम, जितनी भी हमारे सफाई की इशूज हैं, उसको एक बड़े तरतीब के साथ शुरू कर दिए गए। इस वक्त एक्टिव में हम जोर टाउन, सब्जरदार, गर्ना स्कीम, ताजपुरा में हम काम कर रहे हैं और तमाम जो हमारी स्कीम्स हैं उनको हम। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने LDA एवेन्यू 1 के सेंट्रल पार्क में पौधा लगाया, जबकि 24 नवंबर को हालात और अमनो अमान सूरतेहाल बेहतर रहने की दुआ भी कराई। कैमरामैन मकसूद भट्ट और सईद मिराज के हमरा दुरे नयाब सिटी 42। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के ज़ेर एहतमाम सुबह भर में 3 रोज़ा हेल्थ वीक मनाने का एहतमाम किया गया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने THQ अस्पताल समनाबाद में हेल्थ वीक का बाकायदा इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का सेहत के फरोग के लिए इनकलाबी कदम। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ
केयर के जेर एहतमाम सूबे भर में 3 रोजा हेल्थ वीक का आगाज कर दिया गया। हफ्ते सेहत का इफ्तिताह चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान और सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने किया। इब्तदाई तकरीब DHQ अस्पताल समनाबाद में हुई। हफ्ते सेहत में स्क्रीनिंग कैंप लगाए जाएंगे। स्क्रीनिंग कैंप में हामला खवातीन का चेकअप, बच्चों की वैक्सीनेशन और मुख्तलिफ अमराज के मरीजों का चेकअप किया जाएगा। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर ने कहा, शहरियों में रूटीन चेकअप की आदत बनाने के लिए हफ्ते सेहत बनाया जा रहा है। बहुत से लोग रूटीन में अपनी ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की चीजों को चेक ही नहीं करते, तो जब इस तरह का वीक हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत सारे लोगों को अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स का पता चलता है। और हमारे साथ क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर ने तमाम चीजें जो है वो डिजिटलाइज कर रखी हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ नादिया साकिब की जानिब से हफ्ता सेहत के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इनका कहना था कि 5 लाख से ज्यादा अफराद का हफ्ता सेहत में चेकअप किया जाएगा। स्क्रीनिंग कैंप्स का मकसद सभी को यकसा सेहत का मेयार देना है। पूरे पंजाब में 637 फैसिलिटीज के ऊपर हमने स्क्रीनिंग शुरू की है और हमारा टारगेट 6 लाख से ज्यादा का है, क्योंकि ये 3 दिन पर मुश्तमिल है। वो लोग जिनका रूटीन में हेपेटाइटिस का टेस्ट नहीं होता, रूटीन में HIV का टेस्ट नहीं होता, रूटीन में उनकी शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह असेस नहीं होते, वो अब यहाँ पे होंगे और लोगों को खुद पता लग जाएगा कि हमें क्या क्या चीजें खुद करनी चाहिए। मरीजों और शहरियों की जानिब से भी वजीर आला पंजाब के इस इकदाम को खूब सराहाया गया। हफ्ता सेहत 20 से 22 नवंबर तक जारी रहेगा। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चंद्राई में स्मोक से आगाही के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। MP मियां इमरान जावेद और MP राना राशिद मिनहास ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तालिबात की हौसला अफजाई के लिए नमाज भी तकसीम किए गए। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चंद्राई में स्मोक आगाही के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। MP मियां इमरान जावेद, MP राना राशिद मिनहास ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। हेड मिस्ट्रेस रोबीना कोसर मुगल, स्नोबर अफसर शाइस्ता परवीन, लीगी रहनुमा खालिद परवेज भट्ट, अलमास अख्तर, जरीना बिलाल ने भी शिरकत की। हाजी हाकिम अली जट, बिनिश मुख्तार, मायरा रबी, शाहिद अली शाह, सैयद सगीर असकर, रशीद अहमद भट्टी, अकबर अली नंबरदार समेत दीगर भी मौजूद थे। तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की और तालीमी इदारे खुलने पर शुक्र अदा किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ उलमाए मशाइखीन का इजलास हुआ। उलमाए मशाइखीन को मजबूत करने के हवाले से मुशावरत की गई। डेविस रोड पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ उलमाए मशाइखीन का इजलास उलमाए मशाइखीन पंजाब के सदर सैयद मनाजिर हुसैन गिलानी की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में सैयद मुफ्ती आशिक हुसैन, मौलाना शकीलुर रहमान, अब्दुल वहीद रोपड़ी, हाफिज मोहम्मद जुबैर, डॉक्टर नदीम भट्टी, हाफिज शुएब अख्तर रिजवी, शेख हसन, हाजी उमर फारूक समेत दीगर ने शिरकत की। SP मॉडल टाउन इखलाकुल्ला तारड़ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास हुआ। मॉडल टाउन डिवीजन में वाकिया सोसाइटी मालिकान और सोसाइटी फोकल पर्सन की शिरकत। इजलास में सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। SP मॉडल टाउन ने शुरका को सिक्योरिटी अमूर पर ब्रीफिंग दी और हुकूमत की जानिब से जारी सिक्योरिटी SOPs पर मिनवान अमल दरामद की हिदायत की। सोसाइटी मालिकान और फोकल पर्सन की जानिब से मुकम्मल तआवुन की यकीन दहानी करवाई गई। SP ने कहा कि मुकर्रर वक्त के बाद तमाम सोसाइटी गेट बंद रखें और मुकम्मल तस्दीक के बाद दाखिले की इजाज़त दें। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।